गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हुआ 6 बजे का, दादी दी की छुट्टी है। आज खाना वाना मुझे लेट बनाना है थोड़ा सा। बाहर हो रही है बहुत ज़ोर से बरसात, आपको शायद आवाज़ आ रही होगी। और हम दोनों ही ले रहे हैं गर्म पानी। दादी दी को भी आज मैं गर्म पानी दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि इसका भी थोड़ा वेट ज़्यादा हो चुका है एज के हिसाब से। जितनी इसकी एज है उसके हिसाब से इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए हम दोनों ही गर्म पानी स्टार्ट किया है। मैंने इसका भी किया है पर बट दिखाना नहीं होता, क्योंकि स्कूल जाती है तब मैं दिखा नहीं पाती हूँ जल्दी जल्दी। आज उसका ऑफ है तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ। और हम दोनों ही गर्म पानी ले रहे हैं अपना, तो स्टार्ट करते हैं। और बरसात हो रही है भयंकर वाली, आपको बरसात दिखाऊंगी मैं अभी, थोड़ी देर रुकते हैं फिर। तो आज का रूटीन स्टार्ट करते हैं। और सुबह सुबह उठ के मतलब कुछ करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, आला सारा भयंकर वाला ऐसा मन कर रहा थोड़ी देर और सो जाओ और सो जाओ। बट अगर सो जाएंगे तो हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है तो आ जाएंगे थोड़ी देर बाद अभी, तो उनको फिर तब तक खाना बनाना मुझे रेडी करना होता है। वो आते हैं तब तक तो खाना बना के रखना होता है। तो अभी स्टार्ट करूँगी खाना वाना बनाना। पर ये है कि और दिन थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता था, अदिति स्कूल जाती थी तब, आज थोड़ा लेट भी मैं बना सकती हूँ चल जाएगा। बट स्कूल जाते हैं तब वही होता है कि फिक्स टाइम पर बनाना होता है। तो स्टार्ट करते हैं गर्म पानी लेना। देख सकते हो आप कितनी तेज वाली बरसात हो रही है, भयंकर वाली आवाज आ रही है। अदिति क्यों तोड़ना है बेटा? अदिति नो, बहुत भयंकर वाली बरसात हो रही है फिलहाल, देख सकते हो आप। काफी ठंडा सा मौसम हो रहा है। भी सब्जी लाते हैं तो लास्ट के दिन बच जाती है थोड़ी सी, एक गाजर, एक फूल गोभी, थोड़ी सी पत्ता गोभी, और ये बीन्स, हरी मिर्च और शिमला मिर्च, और ये प्याज, टमाटर, प्याज, आलू। तो क्या करते हैं एक्चुअली, क्या करना होता है कि मैं क्या करती हूँ लास्ट में जब एक एक चीज बच जाती है तो उसको फेंकने के बजाय आप मिक्स वेज सब्जी बना सकते हो, सबको मिक्स करके और छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके। और मैं इस तरीके, मैं बताऊंगी किस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो आज मैं मिक्स वेज बनाऊंगी। अदिति की भी छुट्टी है तो कोई ज्यादा जल्दी नहीं है खाना वाना बनाने की, तो आज मैं बताऊंगी आपको कि मैं किस तरीके से इसकी सब्जी बनाती हूँ। तो इसको अभी मैंने सबको साफ करके अच्छे से पाया, और अच्छे से तो इसको पानी में मैंने अच्छे से डाल के रख दिया है। तो थोड़ी देर बाद मैं बनाऊंगी, अभी इसमें मैंने इसको डाल के रख दिया है। तब तक नेक्स्ट मैं तब तक अनिल नन्नू को बादाम वगैरह घिस के रख लूंगी इस पर, तो उसको भी देना है, तो वो सो रही है अभी। तब तक मैं तैयारी कर लूंगी, फिर मैं सब्जी बनाऊंगी, तब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। और यहाँ पे अदिति कर रही है कलर, तब तक मैं नन्नू की बादाम वगैरह तैयार कर लूंगी यहाँ पे, क्योंकि अभी तो वो सो रही है। तो जस्ट जब तक मैं तैयार करके रख लूंगी उसके बाद हम वगैरह अच्छे से घिस के पहले इनको छील लेंगे। छीलने के बाद बताती हूँ मैं क्या क्या करना है। तो मैंने कर लिया है बादाम, बादाम को साफ कर लिया है मैंने बिल्कुल, देख सकते हो आप। अब मैं क्या करूंगी कि इसको पत्थर पे, इस जो छोटा सा पत्थर है इस पर मैं इसको घिस, मेरे को घिसना है इसको। तो अपन को क्या करना है कि बिल्कुल बारीक बारीक हाथ से आपको इसको घिस लेना, मतलब एक जो बोलते हैं कि बादाम पीसने के बाद हो जाती है ऐसे, मतलब इस तरीके से आपको करना है धीरे धीरे बिल्कुल, ताकि थोड़ा मोटा ना हो, बिल्कुल दूध जैसा होना चाहिए कि बिल्कुल दूध, अपन जैसे दूध वगैरह लेते हैं तो जो भैंस का दूध होता है वो बिल्कुल गाढ़ा होता है, तो उसी की तरह ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। तो आपको इसको घिस लेना है अच्छी तरीके से। घिसने के बाद फिर आपको इसको एक मैं इसमें निकाल लूँगी और इसके अंदर हनी ऐड कर दूँगी थोड़ा सा। हनी से क्या है बच्चा बोलना भी जल्दी सीख जाता है और खा भी अच्छे से लेता है, तो इसलिए पहले इसको घिस लेंगे हम अच्छे से। तो यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स कर लिए मैंने कट अच्छे से बारीक बारीक, सबको काट करके रख लिया है।
तो आप देख सकते हो सबको मैंने बिल्कुल ही बारीक काटा, क्योंकि जल्दी जितना ज़्यादा बारीक काटोगे आप सब्जी को उतना ही जल्दी आपकी सब्जी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने इसको बिल्कुल ही बारीक बारीक काट लिया। तब तक मैंने ऑयल वगैरह गर्म करने के लिए रख दिया, तो ऑयल गर्म हो जाएगा। और ये काटा है मैंने यहाँ पर आलू और बीन्स, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, और ये सब कुछ मैंने काट के रख लिए हैं। तो अब मैं छौंक दे दूँगी कढ़ाई, ऑयल गर्म हो चुका है मेरा, तो तड़का लगा देंगे अपन इसमें। तो तड़का पहले मैंने जीरा जीरा डाल दिया, जीरे के बाद मैं इसमें लहसुन और प्याज थोड़ा सा वो डाल दूँगी, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और उसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। ये फ्राई हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी अच्छे से पकने के बाद मटर ऐड कर दूँगी। मटर ऐड करने के बाद मटर को मैं थोड़ी देर पका लूँगी अच्छे से। तो ये देख सकते हो आप, मटर मैंने ऐड कर दिया इसमें, और मटर को अच्छे से पकने दूँगी। और पकने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तो जितने भी सारे वेजिटेबल्स वगैरह कट करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उससे पहले मैं मटर पक जाने दूँगी, ढक देती हूँ थोड़ा सा, तो मैंने ढक दिया है यहाँ पे। ढकने के बाद मैं इसमें मटर वगैरह ऐड करूँगी और उसको एक बार चेक करूँगी कि मटर पकी है या नहीं पकी अच्छे से। तो इसके बाद ऐड करूँगी मैं इसमें सारे वेजिटेबल्स जो मैंने कट करके रखे थे, और मैंने उनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था, क्योंकि बारीक बारीक जितना बारीक आप कट करोगे वेजिटेबल्स को उतना ही अच्छी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी इसमें, क्योंकि प्याज का क्या थोड़ा पकने में थोड़ी वो होती है, तो इस पहले मैं प्याज ऐड कर दूंगी सबसे पहले। और आप चाहो तो पहले आलू और अदरक वो गाजर ऐड कर सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं, सारी सब्ज़ी एक जैसी पकानी है अपन को, तो सबको एक जैसे पकाने के लिए आपको क्या करना है, सबको एक साथ ही ऐड कर देना है आपको। तो यहाँ पर ऐड कर दूँगी मैं इन सबको एक साथ ही, और इसका पकने का वेट करूँगा। बीच बीच में आपको सब्ज़ी को चेक करते रहना है। तो इसको डालने के बाद मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए इसको, तो इनको ऐड कर देंगे अभी इसमें, और थोड़ी देर बाद बीच बीच में आपको ये चेक करते रहना है। और नमक डाल के आपको ये थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद जब ये आधी पक जाएगी तो इसमें आपको कर देना है मसाला ऐड सारा, जो भी जो डालते हो आप, हल्दी वगैरह वो सब कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं ढक दूँगी इसको थोड़ी देर के लिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया ऑयल वगैरह सब कुछ। तो थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूंगी मैं फ़िलहाल। फिर मैं ऐड करूंगी इसमें नमक, नमक आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हो। तो मैंने अपनी सब्ज़ी के क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसको ऐड कर दिया नमक को, बाकी के स्पाइस मैं बाद में डालूंगी स्पाइसेस। तो इसमें क्या है, मैं ढक दूंगी इसको थोड़ी देर के लिए, जब पक जाएगी, अभी आधी पक चुकी है, बीच बीच में मैंने चला लिया था इसको। तो मैं इसमें थोड़ी सी मसाले वगैरह ऐड करूँगी अब। तो मसाले में आपको क्या क्या ऐड करना है वो देख लेते हैं एक बार, क्या क्या ऐड करना है आपको मसाले में। तो यहाँ पे ऐड करूँगी सबसे पहले मैं हल्दी, और हल्दी आपको उतनी डालनी है जितनी आप लोग रेगुलर सब्जी में डालते। फिर डालूँगी मैं धनिया, और उसके बाद डालूँगी मैं थोड़ा सा लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेगा, क्योंकि मैंने एक ही हरी मिर्च डाली थी, तो लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी है, क्योंकि इसमें शिमला मिर्च भी, तो शिमला मिर्च क्या थोड़ी मीठी हो जाती है पकने के बाद, थोड़ा मीठा मीठा लगती है सब्ज़ी उसकी, तो इसलिए अब इस सबको मैंने ऐड कर दी ज़्यादा मिर्च। तो अब इन सबको ऐड कर लेंगे अपन, इनको सबको मिक्स करने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जब सब्ज़ी हो जाएगी अपनी तैयार, तो तैयार होने के बाद इसमें डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ थोड़ा सा। तो ये मिक्स वेज बिल्कुल रेडी है आपकी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, ऐसे भी काफ़ी टेस्टी बनती है, आप ट्राई करके देखना कभी। तो ये खाना हमारा रेडी हो चुका है अब, तो खा के फिर हस्बैंड और आदित्य तीनों सो जाएंगे, मेरे को नहाना है अभी, कपड़े वगैरह धोने थोड़े से, तो इसलिए यहाँ पर खाना बन चुका है हमारा। तो खाना वाना खाते मिलते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद। और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे का, आप देख सकते हो कितनी भयंकर वाली बरसात हो रही है, काफ़ी तेज़ आवाज़ आएगी आपके इस वीडियो में, आप देख लेना आपकी कोई चीज़ सुन लेना, कितनी भयंकर भयंकर वाली आवाज़ आ रही है बरसात की, और बहुत ज़्यादा बरसात और यहाँ पे हो रही है, बहुत भयंकर वाली बरसात देख सकते हो आप। और मैंने आवाज़ इसकी म्यूट कर दी है कि ताकि आपके पास आवाज़ नहीं आए, क्योंकि आवाज़ अगर बरसात की आएगी तो आप हो सकता है मेरी आवाज़ ना सुन पाए, इसलिए मैंने आवाज़ को बंद कर दिया था इसकी, कि बरसात जो हो रही थी उसकी, और काफ़ी तेज़ बरसात हो रही है यहाँ पे 10-15 दिन से। साउथ में क्या नवंबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो इस अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा बरसात चल रही है यहाँ पर, फिलहाल 7-8 दिन से रेगुलर बरसात चल रही है, बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इस टाइम पे क्या, बरसात के टाइम पे ना ही तो कपड़े सूखते हैं, ना ही कुछ होता है, और ना ही बाहर बैठ सकते हैं, क्योंकि सारा फर्श वगैरह गीला हो रहा है, बार बार देख सकते हो आप, मैंने काफ़ी सुबह से 3-4 बार अच्छे से धो दिया था, पर फिर भी उसके बाद भी काफ़ी गीला, सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है बिल्कुल, क्योंकि बरसात है ही इतनी तेज़ है, और कपड़े वगैरह भी नहीं सुखा सकते, तो कपड़े भी काफ़ी सारे गीले पड़े हैं अंदर, सुखा नहीं सकते, क्योंकि कल रोज़ रोज़ भीग जाते हैं रात को कपड़े वगैरह हवा से, तो देख सकते हो आप। तो बहुत भयंकर वाली बरसात हो रही है, यहाँ की नाली वगैरह में से भी पानी निकल निकल के जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही तेज़ वाली बरसात है फिलहाल।
क्योंकि पिछली बार तो बहुत कम थी नवंबर में, इस बार तो बहुत ज़्यादा बरसात है यहाँ पर, तो देख सकते हो आप पानी किस किस तरीके से जा रहा है निकल के, तो बहुत ये बोल सकते हो कि हाँ लिमिट से ज़्यादा बरसात हो रही है फ़िलहाल यहाँ पे। तो देख सकते हो आप खुद पानी कितना स्पीड में निकल के जा रहा है नाली वगैरह में से। तो ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूले। और देख सकते हो आप कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, बिल्कुल पूरे हरा हरे भरे दिखते हैं बाग वगैरह। तो ये हम देख सकते हो आप कितने सारे कोकोनट ट्रीज़ हैं और काफ़ी बड़े यहाँ पे काफ़ी ट्रीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे, अपने उधर तो फिर भी कम पाए जाते हैं, पर यहाँ पे काफ़ी सारे ट्री वगैरह मिलते हैं, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और ये हो गया शाम का टाइम, शाम का 8 बजे का टाइम है, मैंने बनाया था यहाँ पे दाल की पकौड़ी, क्योंकि बरसात हो रही थी तो दोनों ने बोला कि पकौड़ी बना लो, तो थोड़ा सा बनाया था मूँग का हलवा। शाम को क्या सब्ज़ी वगैरह बनी हुई रखी थी तो मैंने रोटी रोटी बनाई थी। तो ये वीडियो आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ।